काफी अच्छे से बड़े मजे आते हैं, मतलब स्टार्ट पंपिंग लाइक दिस, मेकअप, स्किन केयर, फलाना ढिमकाना, इतनी चीजें होती हैं हम लड़कियों के पास। Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. So in today's video, I'm going to share with you guys 10 random things from Amazon that we girls need in our lives but we never realize. और सारी ही चीजें अंडर 500 रुपीज की हैं, एक्सेप्ट वन थिंग विच इज थोड़ी सी एक्सपेंसिव, बट ठीक है यार, मतलब थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है। एंड आई एम श्योर कि जैसे जैसे आप ये वीडियो देखोगे ना, कुछ चीजों को देख के यू वुड एक्चुअली से कि हाँ यार, आई नीड दिस थिंग इन माई लाइफ। सो हैप्पी रियलाइजेशन इन एडवांस। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट मी जस्ट क्विकली डिस्कस अबाउट माई मेकअप लुक ऑफ द डे। सो फॉर माई टुडेज मेकअप, आई एम जस्ट वेयरिंग अ वेरी बेसिक सिंपल मस्कारा, क्योंकि मैं सारा फोकस अपने लिप्स पे चाहती थी, क्योंकि आई एम वेयरिंग दिस वेरी नाइस बोल्ड रेड लिपस्टिक, मतलब इट लुक्स लाइक अ वेरी नाइस ब्लड रेड मरून सॉर्ट ऑफ अ लिपस्टिक। इट्स एक्चुअली मेटालिक लिपस्टिक, विच इज वाई मैंने अपना ब्लश एकदम मैट रखा है और आईज पे भी मैंने कुछ नहीं किया है। सो फॉर माई आईज आई एम वेयरिंग दिस वेरी वेरी अमेजिंग मस्कारा एंड इट्स फ्रॉम फेसेस कैनेडा। दिस इज द मैग्नेटाइज मस्कारा। यू गाइज नो आई ऑलवेज लव माई लैश सेंसेशनल मस्कारा, बट यू नो वॉट गाइज, मुझे उसकी टक्कर का ये मस्कारा मिल गया है। गाइज कैन सी माई lashes look very voluminous and एक-एक lash अलग-अलग दिख रही है, which I'm really really liking. आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से curl हुई हैं lashes. मैंने कोई eyelash curl वगैरह कुछ भी use नहीं किया है. Now for my cheeks, I'm wearing this very beautiful plum sort of a blush by Sugar Cosmetics and it's in the shade Mauve Marvel 03. This is such a beautiful beautiful blush. Like I said, कि completely matte है. So if you're not into shimmery blushes, तो आप definitely अगर try कर सकते हो. It's not extremely pigmented. तो आप इसको जितना चाहो अपने अकॉर्डिंगली बिल्डअप कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, जब ब्लशेस एक्सट्रीमली पिगमेंटेड होते हैं और एक स्ट्रोक में इतना सारा लग जाता है ना, वी डोंट लाइक इट। एंड फॉर माय लिप्स, आई एम एक्चुअली वेयरिंग दिस मेटालिक लिपस्टिक फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब आई एम सो मच इनटू क्रीमी मैट्स एंड मैट्स। आई कैन वेयर थोड़ा बहुत ऐसे सैटिन फिनिश की लिपस्टिक्स भी, बट मैंने मेटालिक लिपस्टिक पहली बार लगाई हुई है। सो लेट मी नो कि आप लोगों को मुझ पे लिपस्टिक कैसी लग रही है। सो दिस इज फ्रॉम स्टे क्वर्की एंड इट्स देयर मिनी लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड वैम्पायर्स लव बाइट 30। यू गाइस कैन सी इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ वैम्पायर्स बाइट, मतलब जैसे हम सीरियल्स वगैरह में देखते थे वैसा ही लग रहा है कुछ। ऑल्दो इट इज काइंड ऑफ लाइक अ मेटालिक फिनिश, येट द फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल, इट्स सो अफोर्डेबल। सो या दैट वॉज माई लुक ऑफ द डे। अगर आपको तीनों में से कुछ भी चेकआउट करना है, डोंट वरी, मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो हैव अ लुक। नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ऑलराइट, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट एवरी गर्ल शुड हैव इन हर लाइफ इज दिस ब्रश क्लीनिंग टूल। नाउ एज वी ऑल यूज मेकअप ब्रशेस टू डू आवर मेकअप, कभी कभार उनको वॉश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज ब्रशेस पे बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है एंड अगर हम वही सेम डर्टी ब्रशेस ज्यादा टाइम तक यूज करते रहेंगे तो उससे हम लोगों को एक्ने या पिंपल्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस टाइप का ब्रश क्लीनर सबके पास होना ही चाहिए। सो बेसिकली यू हैव टू इंसर्ट टू फिंगर्स लाइक दिस एंड इस पे यू कैन जस्ट पोर सम हैंड वॉश, नॉर्मल हैंड वॉश। आई यूज अ डिटॉल हैंड वॉश। उसके बाद आई जस्ट टेक माय ब्रश, मैं ब्रश को अच्छे से गीला कर लेती हूँ एंड देन आई स्टार्ट यू नो क्लीनिंग द ब्रश लाइक दिस। काफी इजिली रिमूव हो जाता है सारा जो डर्ट और मेकअप रेजिड्यू होता है ब्रशेज में। सो रियली रियली लाइक दिस। नेक्स्ट थिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स दीज शू स्टिकर्स। सो बेसिकली ये सेट ऑफ 5 आए थे, अभी मेरे पास 4 ही हैं, एक मैंने ऑलरेडी अपने शू में स्टिक कर लिया है। आई एम श्योर हमको कभी ना कभी तो किसी न्यू सैंडल या पंप से शू बाइट हुआ ही होगा एंड कितना ज्यादा पेनफुल होता है। सो टू अवॉइड शू बाइट्स, बेसिकली आपको ये शू स्टिकर्स अपने पंप के या किसी भी हील के पीछे स्टिक करने हैं, जहां पे यू नो जहां से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से हमको शू बाइट हो जाता है। सो ये आपको उस जगह पे ऐसे करके स्टिक करने, ये पीछे स्टिकर है एंड आगे ना थोड़ी सी फोमिंग टाइप की दी हुई है एंड कोई फैब्रिक टाइप का लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल होता है। सो इसको लगाने से कोई भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा तो शू बाइट भी नहीं होगा। एंड ये सेट ऑफ 5 मुझे कुछ 300 रुपीज का मिला था, विच आई थिंक इज अ ग्रेट डील। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ रीसेंट बाय एंड इट्स दिस माइक्रोफाइबर टॉवल टर्बन। इससे पहले मैं एक्चुअली एक कॉटन टी शर्ट या कोई कॉटन क्लोथ यूज करती थी अपने बाल सुखाने के लिए एंड नाउ आई नो कि इतनी लड़कियों को ये माइक्रोफाइबर टॉवल क्यों पसंद होता है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नेवर एवर यूज अ रेगुलर टॉवल
फॉर योर हेयर, क्योंकि उसके जो फैब्रिक होते हैं ना वो एक्चुअली आपके बालों को और ज्यादा फ्रिजी बना देते हैं. सो ईदर यूज अ कॉटन क्लोथ, एनी कॉटन टी शर्ट वुड डू, और जस्ट यूज अ माइक्रोफाइबर क्लोथ लाइक दिस. बट इफ यू वुड आस्क मी, आई वुड सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन अ गुड माइक्रोफाइबर क्लोथ, क्योंकि आई फील कि दिस एक्चुअली ड्राइज द हेयर अ लॉट फास्टर देन अ रेगुलर कॉटन टी शर्ट. नाउ जो ये वाला साइज है ना टावल टर्बन का, ये सिर्फ शॉर्ट हेयर या फिर मीडियम हेयर के लिए ही सूटेबल है. इफ यू हैव लाइक सुपर लॉन्ग हेयर, आपके बाल इसमें प्रॉपरली फिट नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी रैप नहीं कर पाओगे. तो ये वाला भी मैं नीचे लिंक कर दूंगी, बट अगर मुझे इससे कोई बिगर साइज दिखा अमेजोन पे तो वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग विच इज अगेन वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी टू कैरी फॉर अस गर्ल्स. सो इट लुक्स लाइक दिस, कैन यू गेस व्हाट इट इज? ओके, आई विल टेल यू. सो दिस इज एक्चुअली लाइक अ परफ्यूम ट्रांसफर करने वाली बॉटल, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस एग्जैक्टली, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. यू गाइस कैन सी इट हैज अ पाम, बेसिकली इट्स लाइक अ वेरी छोटू सा मिनी परफ्यूम बॉटल जो आप इजिली अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते हो. ये आपके छोटे से छोटे स्लिंग बैग में भी पक्का फिट हो जाएगा. ये तब यूज में आता है जब हमारा कोई बहुत ही ज्यादा फेवरेट परफ्यूम होता है एंड उसकी पैकेजिंग इतनी बड़ी होती है कि हम उसको अपने साथ कैरी नहीं कर पाते. एंड लेट्स ऑल अग्री कि इतने सारे परफ्यूम्स के मिनी ट्रैवल साइज पैकेजिंग्स भी नहीं अवेलेबल होती हैं. सो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फुल साइज परफ्यूम बॉटल से इस ट्रांसफर बॉटल में ट्रांसफर कर सकते हो. आई जस्ट क्विकली शो यू हाउ इट वर्क्स. ऑलमोस्ट सारे ही परफ्यूम कुछ इस टाइप के दिखते हैं, आई एम प्रीटी श्योर. नाउ इसका जो ये ऊपर वाला कैप होता है ना, यू कैन इजिली रिमूव इट. मतलब जितने परफ्यूम्स मैंने अभी तक यूज किए हैं उसमें तो सबका ये ऊपर वाला कैप हट जाता है एंड देन वी हैव दिस नोजल सॉर्ट ऑफ अ थिंग. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसके जो ये ट्रांसफर बॉटल है इसके यहाँ पे देयर इज अ होल एंड यू हैव टू इंसर्ट दिस नोजल इनटू दिस होल एंड स्टार्ट पंपिंग. सो आई एम जस्ट गोना इंसर्ट इट कम्प्लीटली एंड स्टार्ट पंपिंग लाइक दिस. सो यू गाइस कैन सी के इस तरह यू नो इसमें परफ्यूम हमने ट्रांसफर कर लिया है फ्रॉम दिस बिगर साइज बॉटल टू दिस छोटू सी मिनी ट्रैवल साइज बॉटल जो कि एकदम एक लिपस्टिक की तरह है एंड आप इसको कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअली अ हेयर केयर स्लैश स्किन केयर प्रोडक्ट and it's this Merit VCO extra virgin coconut oil. It's like a extra virgin coconut oil which means it's pure and it's actually extracted from coconut milk. This is what it looks like. The texture is quite runny and watery, you guys can see. I really like to oil my hair every week with this and I've been using this for almost 3 years now. मतलब these people actually approached me for a collaboration in 2017 और तब से लेके अभी तक I'm actually using this coconut oil only and I haven't gone back to any other coconut oil ever since. So mainly तो मैं इसको अपनी hair oiling के लिए use करती हूँ, but if you have like extremely dry skin you can actually use this on your skin. It's edible also. I remember once we made idlis using this coconut oil and they were like really yummy. But I mainly use this for my chumpy sessions, like I said. I don't know मेरी कौन सी बॉटल है, I've literally lost the count. मैं इतनी बार ये you know मंगवा चुकी हूँ, हमेशा Amazon से ही मंगवाती हूँ. So this is like a very nice multi-purpose product that everyone should have. Now since I was talking about chumpy sessions, so obviously next morning hair wash भी करना ही पड़ता है. So for that I've been using a tool जो कि आप शैम्पू के टाइम यूज कर सकते हो. सो इट्स दिस शैम्पू मसाजर. आई नो यू गाइस वुड बी लाइक सीरियसली शिवानी, मतलब अब शैम्पू के लिए भी हमको एक शैम्पू मसाजर यूज करना पड़ेगा, वो तो हम अपने हाथों से भी कर सकते हैं. आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी. इतने अच्छे से हमारे स्कैल्प को क्लेंस कर देता है एंड साथ के साथ एक्सफोलिएट भी करता है. सो अगर कोई भी ऐसे डेड स्किन होती है तो वो भी आराम से रिमूव हो जाती है एंड क्योंकि अब इतना अच्छा मसाज हो रहा होता है तो ये ब्लड फ्लो भी स्टिमुलेट करता है एंड यू एक्चुअली फील रिलैक्स एज वेल. इसके जो सिलिकॉन bristles है ना, these are like very soft and very gentle on the scalp. बिल्कुल भी आपको poke नहीं करता है क्योंकि आप देख सकते हो कि these are bendable, like the bristles are bendable. काफी अच्छे से बड़े मजे आते हैं मतलब whenever I use this product. Alrighty, so the next thing is something which can be a really nice alternative for the regular cotton pads or the makeup wipes that we use. So it's these reusable bamboo cotton pads and it's from a brand called Earth Rhythm. ये 3 के set में आए थे, अभी मेरे पास 2 ही हैं क्योंकि एक जो थर्ड वाला है ना वो बहुत ही ज्यादा डर्टी हो रहा था. सो दैट्स इन द वॉश. सो दीज आर द कॉटन पैड्स लुक लाइक. यू गाइस कैन सी कि जो रेगुलर कॉटन पैड्स के साइज होते हैं उससे थोड़े बड़े ही हैं, बट आप एक पैड से अपना एक टाइम का मेकअप तो आराम से रिमूव कर सकते हो. द ओनली रीजन आई स्टार्टेड यूजिंग दीज रीयूजेबल कॉटन पैड्स इज बिकॉज दे आर इको फ्रेंडली, बिकॉज यू नो द रेगुलर कॉटन पैड्स एंड द मेकअप वाइप्स दैट वी यूज दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. सो इट्स जस्ट यू कैन से इट्स लाइक अ बेबी स्टेप दैट आई हैव टेकन टू सेव द एनवायरमेंट. नेक्स्ट थिंग इज
something which is again very very essential in our lives because we as girls we own thousand different things, makeup, skin care, फलाना ढिमकाना इतनी चीजें होती हैं हम लड़कियों के पास and कभी कभार you know storage problem हो जाती है. So for that storage boxes like this come really really handy. Now ये वाला मैंने Amazon से लिया था around 3 साल पहले, I guess 2016 या 17 में लिया था, not really sure. But आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसमें कितनी फालतू की और कितनी random miscellaneous चीजें store करके रखी हुई हैं and काफी ज्यादा सामान आ जाता है. I guess ये large size था बट इसका एग्जैक्ट सेम पीस अभी आउट ऑफ स्टॉक है, सो आई एम गोना लीव अ सिमिलर ऑप्शन. काफी अच्छी क्वालिटी का है, मतलब आप देख ही सकते हो काफी टाइम कितने सालों से है मेरे पास एंड काफी अच्छी क्वालिटी है. सो द नेक्स्ट थिंग इज समथिंग दैट वी ऑल शुड कैरी विद आवरसेल्फ एवरी टाइम वी स्टेप आउट फॉर एन आउटिंग और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि अब हम लोग अपनी यू नो नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं. सो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसे बाहर आना जाना शुरू कर दिया है. इस टाइम पे हैंड सैनिटाइजर्स तो सबके पास होते हैं, बट साथ ही के साथ गाइस प्लीज ये टॉयलेट सीट सैनिटाइजर भी अपने साथ कैरी कर लिया करो, बिकॉज वी एज गर्ल्स नाउ वी गेट यूरिन इन्फेक्शन वे फास्टर देन बॉयज एंड जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज क्लीन एंड सैनिटाइज्ड प्लीज इसको अपने साथ कैरी कर लिया करो. यू नेवर नो कि कब आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम्स बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं, दे आर लाइक वेरी अनहाइजीनिक. द वन दैट आई हैव इज फ्रॉम नम्या, आई एक्चुअली गॉट दिस इन अ पीआर, बट आप लोग कोई भी टॉयलेट सीट सैनिटाइजर यूज कर सकते हो. इससे पहले आई वाज एक्चुअली यूजिंग पी सेफ, वो भी काफी ज्यादा अच्छा था. ऑल्सो वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज इज नेवर एवर सिट ऑन द टॉयलेट सीट ऑफ एनी पब्लिक वॉशरूम, मतलब सैनिटाइज करके भी मत बैठना अनलेस इट्स एन इमरजेंसी. इफ यू वांट टू पी जस्ट डू दैट इन अ स्क्वॉटिंग पोजीशन, बट लाइक आई सेड इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जस्ट कीप दिस हैंडी विद योरसेल्फ. नाउ द लास्ट थिंग इज फॉर दोज गर्ल्स हु लव टू स्टाइल देयर हेयर, एंड यही वो चीज है जो 500 रुपीज से ज्यादा की है इस वीडियो में, एंड इट्स दिस कर्लिंग टोंग by this brand called Iconic. If you're looking for a nice curling tong, then please do give this a try. And this was actually recommended to me by my cousin, who's also a makeup artist and a hairstylist by profession. So, उसके पास ये same exact tong है, and she has been using this for 3 to 4 years now. And this was quite expensive, so no doubt it's an investment. But you know what? It's gonna last you for years. So this is a 19 mm barrel. मतलब मुझे सिर्फ 10 seconds लगते हैं एक strand of the hair को you know curl करने में. It's a very good curling machine, really happy with this. Those were my top 10 things from Amazon that every girl must have. I will leave all the links in the description box below. Also let me know if there's something which you feel that every girl should have. I would love to know about your must haves too. And if you like this video, then please make sure that you give this video a big thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, I would surely leave all the links for you guys in the description box below. And yes, I shall see you next time. Till then, you all, please stay safe, stay positive, and be kind to yourself and others. Bye-bye.